हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है इस नए वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपातकालीन विकास मित्रों के जो है रिक्त पदों पे नियोजन के लिए। फ्रेंड्स, विज्ञप्ति जारी हो चुका है, किस प्रकार से फॉर्म को फिलअप करना है, क्या प्रोसेस रहेगा, कौन कौन आवेदन कर सकता है, चयन प्रक्रिया क्या है, आवेदन कैसे करना है और किस डिस्ट्रिक्ट में जो है यहाँ पे बहाली निकाली गई है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला। अगर आप बिहार से आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे विकास मित्र की जो है बहाली आ चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको फ्रेंड्स मेरा काम पसंद आ रहा तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट करने के लिए फ्रेंड्स आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को भी दबाइए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये है नोटिफिकेशन, शॉर्ट नोटिफिकेशन यहाँ पे निकाला गया है बिहार सरकार के द्वारा, आपातकालीन विकास मित्रों के रिक्त पदों पर नियोजन। बताया जाए फ्रेंड्स की संबंधित प्रखंड या नगर निकाय में आवेदन प्राप्त करने की तिथि 18 फरवरी यानी कल से जो है आवेदन शुरू है, और 8 मार्च 2021 तक जो है आप फॉर्म को फिलअप करके जमा करना। ये ऑनलाइन नहीं है, आपको जो है मैं बताऊंगा कहां से फॉर्म को डाउनलोड करनी है और आपको जो है फॉर्म फिलअप करना है, और फिलअप करके जो आपको अपने ब्लॉक स्तर पे जमा करना है। मेधा सूची जो तैयार कराया जाएगा, प्रकाशन करने की तिथि 12 मार्च को जो है मेधा सूची आ जाएगा। मेधा सूची पर अगर कोई आपत्ति देना चाहते हैं, निराकरण की तिथि जो है यहाँ पे देखिए 12 मार्च से लेकर 19 मार्च 2021 तक जो है आप यहाँ पे आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद से जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगा यानी चयन सूची में प्रकाशन की तिथि 23 मार्च 2021 तक जो है यहाँ पे फाइनल होगा। और उसके बाद से नियोजन पत्र, विवरण, शपथ पत्र ग्रहण, मतलब जो आपकी ज्वाइनिंग जो होगी 1 अप्रैल 2021 तक हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स, यहाँ पे कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया साफ साफ विकास मित्र का चयन, चयन किस प्रकार से होगी, अर्हता क्या रहेगी। तो बताया जा रहा है फ्रेंड्स कि महादलित समुदाय के ग्रामीण क्षेत्रों में रिक्त पंचायत एवं शहरी क्षेत्र में रिक्त वार्ड समूह क्लस्टर पर एक विकास मित्र का चयन किया जाएगा। यानी विकास मित्र का जो है हर एक जो है पंचायत में एक रहेंगे, और साथ ही साथ शहरी क्षेत्र में रिक्त वार्ड में जो है रिक्त वार्ड की जो समूह होती है वहां पे एक जो है विकास मित्र रहेंगे। विकास मित्र का जो नियोजन होगा अनुबंधन के आधार पर किया जाएगा। पंचायत या वार्ड समूह जो शहरी से है में जिस महादलित जाति के जनसंख्या की बहुलता होगी उसी जाति से विकास मित्र का चयन किया जाएगा। मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे जो आवेदन करता है वो केवल महादलित के ही लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे चयन की जो हेतु अर्हता क्या रखी जाएगी, तो आपको जो है आवेदन पूर्ण रूप से निर्धारित महादलित परिवार जाति बहुलता वाले होंगे। जिस पंचायत या समूह में विकास मित्र का चयन किया जाना है वहीं के निवासी से आवेदन पत्र प्राप्त किया जाएगा। मतलब सपोज आपके पंचायत में सीट है तो अगर आप आवेदन करते हैं तो आप ही का सिलेक्शन किया जाएगा, और आप जो है महादलित परिवार जाति से आते हैं तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा, और वहीं का अगर आप निवासी उसी पंचायत को तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। उसके वजह से आवेदन की जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, मतलब क्वालिफिकेशन की बात करें तो केवल 10वीं पास यानी शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष होना चाहिए। विकास मित्र का चयन में शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष नहीं मिलने की स्थिति में जो है आपसे 9वीं 8वीं और उसके वजह से 7वीं, उसके वजह से नॉन मैट्रिक या 6ठा पास या 5वीं पास भी यहाँ पे आवेदन कर सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्राथमिकता दी जाएगी, जो मैट्रिक तक कम से कम पढ़ा हुआ है उसको यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी, तो ये यहाँ पे बताई जा रही है। वैसी स्थिति में जिससे आवेदन सबसे उम्र कम हो तथा उसके अनुसार चयन किया जाएगा, दो या दो से अधिक आवेदकों को जन्म तिथि या शैक्षणिक योग्यता विकास होने पर वैसी स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी स्वविवेक से आवेदक का चयन करेंगे। तो ये जो फ्रेंड्स टर्म कंडीशन बताई गई है कि आपका अगर दोनों सेम मिलता है, किसी का मैट्रिक क्वालिफिकेशन भी सेम है, मान लीजिए एक जगह से 5 लोग आवेदन कर दिए तो 5ों की क्वालिफिकेशन, आयु, सब चीज़ सेम रहेगा, तो उस बेस पे किस तरह से यहाँ चयन किया जाएगा, तो उस बेस पे फ्रेंड्स यह जो है अनुमंडल पदाधिकारी अपने विवेक को यूज करके जो यहाँ पे आवेदन स्वीकार करेगा उसका चयन करेगा। अब यह बताया गया चयन में मैट्रिक या समकक्ष से उच्चतर योग्यता वाले अभ्यर्थियों के लिए अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जाएगा। मैट्रिक या समकक्ष में सर्वश्रेष्ठ प्रतिशत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। मतलब ये फ्रेंड्स कि अगर मान लीजिए आपने मैट्रिक से आगे पढ़ाई किया है तो उसकी आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी, और अगर आपने मैट्रिक में अच्छा खासा परसेंटेज भी लाए हैं तो आपको जो है चयन में सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। मैट्रिक या समकक्ष में समान प्रतिशत रहने पर ज्यादा उम्र वालों को यहाँ पे प्राथमिकता दी जाती है। अब यहाँ पे आयु सीमा क्या बताई गई, तो फ्रेंड्स आयु सीमा जो है 18 से 60 वर्ष तक यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। 1/1/2021 तक न्यूनतम आयु 18 वर्ष जोड़ी जाएगी और अधिकतम यहाँ पे 60 वर्ष जो है जोड़ा जाएगा। जाति बहुलता में पंचायत वार्ड समूह क्षेत्र में महादलित वर्ग में सम्मिलित जातियों में से किसी एक जाति का बहुलता निर्धारित किया जा चुका है। यानी फ्रेंड्स यहाँ पे जो है केवल आपको जो है
महादलित वर्ग के लोग यहाँ पे आवेदन करेंगे। नियोजन की अवधि फ्रेंड्स यहाँ पे बताया जा रहा है कि विकास मित्र का नियोजन 60 वर्ष कार्य किए जाने हेतु अनुबंधन के आधार पर किया जाएगा। आवश्यकता अनुसार पुनः नियोजन किया जा सकता है और यहाँ पे आपको जो है 60 वर्षों का मतलब लाइफ टाइम ये वैकेंसी रहती है और प्रत्येक विकास मित्र को सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय भुगतान होगा। यानी पे फ्रेंड्स मैं यहाँ पे मानदेय की बात नहीं की गई कि आपको जो 30,000-40,000 कितना सैलरी मिलेगा, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भारत सरकार है उसके द्वारा आपको जो है निर्धारित भुगतान किए जाएंगे। सामान्य निर्देश यहाँ पे बताया जा रहा है कि कार्य नियोजन के अनुसार सभी तथ्यों तथा विकास मित्रों के पदों का जिला द्वारा अनुमोदन इत्यादि की सूचना मिशन को समय समय पर प्रेषित किया जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बताया जा रहा है कि रिक्तियों की स्थिति निम्नवत है, मतलब जो है किस किस प्रखंड में और किस जिला में अभी फिलहाल बहाली निकाली गई है ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है प्रखंड का नाम रहुई और ये पंचायत है, यहाँ पे दो पंचायत में खाली है। उसके वजह से अगला जो प्रखंड है वो सरमेरा, इसमें जो है एक ही पंचायत है। उसके वजह से हरनौत, इसमें भी एक पंचायत है। उसके वजह से बिहार शरीफ ग्रामीण जो कि यहाँ पे डुमराव है। तो ये जो भी पंचायत आप देख रहे हैं, जो प्रखंड देख रहे हैं, ये जो है बिहार शरीफ की है, स्पेशली बिहार शरीफ में ही अभी फिलहाल निकाली गई है। तो यहाँ पे जो है बाकी जो भी वैकेंसीज है, जैसे मान लीजिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के, पटना हुआ या गोपालगंज हुआ या सिवान हुआ या और भी जो भी बिहार के जो 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके फ्रेंड्स अभी नहीं आए हैं। जैसे ही आएगा मैं जो है एक अलग से अलग अलग वीडियो लेते आता रहूँगा। और जैसे मैंने अभी पिछले वीडियो मैंने बताया था कि जो है पटना में डीलर राशन के लिए यहाँ पे जो है आवेदन, राशन डीलर बनने के लिए जो आवेदन शुरू है, उसी प्रकार से ये भी है सेम, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे आती रहती है वैकेंसी। तो ये जो है फिलहाल बिहार शरीफ के लिए है। आप किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये जो है अभी फिलहाल बिहार शरीफ से आ रहा है। अगर जो लोग बिहार शरीफ के हैं वो लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अब किस प्रकार से आपको आवेदन करना है तो इसका जो डिटेल्स नोटिफिकेशन मेरे पास एक और है, देखिए ये है पूरा फुल पेज का नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन सेम वही मैंने जानकारी दिया यहाँ पे भी है और इसका यहाँ पे देखिए मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। मैंने ये सारी चीज इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया है। अब किस प्रकार से आपको आवेदन करना है तो यहीं पे देखिए यहाँ पे आपको जो नीचे में एक आपको मिलेगा फॉर्म, इसको आपको डाउनलोड करना है प्रिंट आउट करके और इसे फिलअप करना है। फिलअप करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सारी इन्फॉर्मेशन जेन्युइन चीज़ें जो मांगी जाती है, आपका जो है पंचायत कौन सा है, प्रखंड कौन सा है, शहर से आते हैं तो वार्ड समूह और शहर का निकाय का नाम लिखेंगे। यहाँ आपको जो है निर्धारित जाति बहुलता बतानी है और आरक्षण का श्रेणी महिला है और उसके वजह से क्रमांक संख्या इसको आपको छोड़ देनी है। यहाँ पे आपको पासपोर्ट आकार का जो है अभी प्रमाणित फोटो चिपकानी है आपको यहाँ पे, मतलब साइन किया हुआ क्रॉस होना चाहिए। माता पिता, जाति, जन्मतिथि, ये सब चीज़ जो है जेन्युइन आपको पता ही होगा, ये सब चीज़ भरना आपको, आपका स्थायी पता और उसके वजह से शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे भरनी है और भी यहाँ पे कुछ जानकारी बताइएगा। अपना हस्ताक्षर करेंगे, अपना पूरा नाम लिखेंगे, अपना दिनांक और स्थान लिखेंगे और ये सब चीज़ आपको देखिए क्या क्या संलग्न करना है, इसके साथ में क्या क्या आपको अटैच करनी है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैट्रिक समकक्ष परीक्षा का अंक प्रमाण पत्र आठवीं का है, आठवीं तक, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र, उसके बाद ये आपको नीचे वाला छोड़ देना है। ये जब आप जमा करेंगे वहां से आपको जो है प्राप्ति रसीद मिलेगी। तो ये आपको प्रिंट आउट करना है, प्रिंट आउट करके कहाँ आपको जमा करना है देखिए ये जानकारी यहाँ पे बताई गई है कि आपको जो है किस प्रकार से आवेदन करना है। तो आवेदन पत्र जमा करने का स्थान तो संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी का कार्यालय या शहरी क्षेत्र के लिए कार्यपालक पदाधिकारी नगर निगम बिहार शरीफ का कार्यालय, मतलब जो है आप अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी को जो यहाँ पे जिसको BDO बोलते हैं उसके पास आप ले जाकर जमा करेंगे इस प्रपत्र, इस पत्र को भर के और अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। या अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो कार्यपालक पदाधिकारी होता है नगर निगम, आपके शहरी में होता है कार्यपालक पदाधिकारी, वहां पे आपको ले जाकर जमा करना है। तो फ्रेंड्स ये छोटी सी एक वैकेंसी थी, हालांकि ये छोटी नहीं बहुत बड़ी है अगर इस हिसाब से देखा जाए बिहार शरीफ के वालों के लिए, तो ये जो है बहुत ही बड़ी बहाली है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताइए कि आप जो किस डिस्ट्रिक्ट से और वैकेंसी यहाँ पे पाना चाहते हैं। मैं लगातार जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी यहाँ पे निकालना शुरू कर दिया हूँ। जब भी किसी प्रकार की बहाली आती है, जैसे मान लीजिए राशन डीलर हुआ या जो है इस प्रकार की बहाली आती है विकास मित्र की, तो मैं जो है लगातार अपने चैनल के माध्यम से आपको जो है शेयर करते रहूंगा। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को भी दबाइए और साथ ही साथ इसकी जो है डाउनलोडिंग फॉर्म, मैंने आपको बताना भूल गया, डाउनलोडिंग फॉर्म कल से फॉर्म फिलअप होगा तो कल जो है मैं अपलोड कर दूंगा। कहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, आपको जो है गूगल में आना है और गूगल में आने के बाद आपको सर्च करनी है DS हेल्पिंग फॉर एवर, इस प्रकार से आपको सर्च करनी है और यहाँ पे आपको ओपन करनी है। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ये जो इस YouTube चैनल का ऑफिशियली वेबसाइट है मैं यहाँ पे जो है शेयर कर दूंगा। लाइव अपडेट में आपको मिल जाएगा कि जो है विकास मित्र का जो वैकेंसी निकाली गई, कल ये अपडेट हो जाएगा, आप कल से जो है इस वेबसाइट से आके फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं
और जो है नोटिफिकेशन को भी यहां से पढ़ सकते हैं। तो मैं जो है कल यहां पे अपडेट कर दूंगा, आप लोग यहां पे थोड़ा वेट करें, कल ही आपको यहां पे इस वेबसाइट पे लाइव हो जाएगा पूरा मैटर के साथ, कैसे आवेदन करना है, क्वालिफिकेशन, सब चीज यहां पे आपको अपडेट कर दिया जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन बताइएगा, और वीडियो पसंद है तो लाइक करेगा, अपने दोस्तों में शेयर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।